तो गुजरात में तूफान की आहट दिखने लगी है, समंदर का मिजाज बदल चुका है, लहरें तटों को पूरी ताकत से चीर रही हैं, आसमान में भी बादल मंडराने लगे हैं और बारिश की भी शुरुआत हो गई है। गुजरात के तटों से हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, किसी भी अनहोनी के लिए एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से वहां पर तैनात है। ये 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे इस महातूफान की आहट सुनाई देने लगी है। ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे द्वारका से जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें सबसे महत्वपूर्ण हैं। दिन के हर गुजरते वक्त के साथ वहां पर हवा की गति और तूफान के अंदेशा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था उसी हिसाब से यहाँ पे तेज हवाएं चल रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, जो समंदर है, मैं अभी द्वारका से 30 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। ओखा पोर्ट है, ये ओखा बंदरगाह है, जहाँ पे जो है ये सभी जो लहरें हैं, लहरें दिखा रही हैं कि समंदर में कितना करंट है। हाई करंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और साथ ही तेज हवाएं चल रही है। जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चलेंगी, तो उसी हिसाब से आज हवाएं चल रही है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 तारीख को दोपहर के बाद शाम तक जो है ये चक्रवाती तूफान जो है वो कच्छ के जखो बंदर के पास लैंडफॉल करेगा और उसके बाद इसका इंपैक्ट पूरा जो है वो देखने को मिलेगा। पर अभी से जो असर है यहाँ पे समंदर में देखने को मिल रहा है। ओखा जो है एक्सट्रीम राइट में है, जहाँ पे नुकसानी की बहुत ही कम गुंजाइश देखी गई थी, या फिर जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, बहुत कम संभावनाएं व्यक्त की गई थी, फिर भी यहाँ पे जो है वो नुकसानी जो है वो दिख रही है। जिस तरह से ये लहरें उफान पे है, समंदर उफान पे है और जो हाई टाइड दिख रहा है उससे काफी नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिशिंग एक्टिविटी भले ही बंद हो, पर फिर भी जो बोट्स यहाँ पे पार्क की हैं उसको भी जो है वो नुकसानी हो सकती है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो बोट को भी नुकसान होगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, ये मांडवी पोर्ट की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मांडवी तट है। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है, किस तरीके से वहां पर मंजर पल पल बदलता जा रहा है? ये कह सकता हूँ नेहा कि हवा की रफ्तार जो है सुबह के पहले जब बातचीत हो रही थी उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। मैं जहाँ पर हूँ ये मांडवी का मेरीटाइम बोर्ड का दफ्तर है, ठीक पीछे कस्टम की बिल्डिंग है। और एक बताना चाहूंगा कि जैसे 10 नंबर का अलार्म, 11वां नंबर सबसे आखिरी है, तो 10 नंबर के अलार्म के लिए जो संकेत है वो लगा दिए गए हैं। यानी शहर को अब ये पता है, यहाँ मछुआरों को ये पता है कि खतरा किस तरह का हो सकता था। पंकज हमारे साथ जो स्थानीय प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं, पंकज इस संकेत का मतलब क्या होता है? ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मांडवी कस्टम हाउस ने 10 नंबर का सिग्नल दिया है। 10 नंबर का सिग्नल मतलब ये हुआ कि पूरा सिस्टम ठप हो गया है। अभी पूरा सिस्टम ठप का मतलब है कि जो लोग किनारों पर रहे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। हम कुछ समय पहले तट के दूसरे किनारे पर जो गांव है वहां पर थे, सारे मछुआरे जो है पूरा का पूरा गांव वो खाली हो चुका है, लोग जाने की तैयारी में कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो पोर्ट है जहां पर मेंटेनेंस का काम भी होता है, दूसरी तरफ मछुआरों ने अपनी नाव पार्क कर रखी है। पूरा कस्टम हाउस का जो इलाका है, अब यहां पर इक्का दुक्का सरकारी या तो कर्मचारी बचे हैं या फिर एनडीआरएफ और पुलिस के जरिए पेट्रोलिंग करवाई जा रही है ताकि लोग तटीय किनारों पर ना जाए। हवा का रुख जिस तरह से बढ़ रहा है, संभवतः लैंडफॉल के 15 मिनट पहले ही, कुछ घंटों पहले माफ कीजिएगा, इसका असर देखने को मिल जाएगा और शायद संभवतः आज सुबह से उसका जो प्री इंपैक्ट हम उसे कहते हैं वो दिखाई दे रहा है कि कल के मुकाबले हवा की रफ्तार दुगनी है। लेकिन जब अपने ये पूरे प्रवाह पर होगा, जब अपनी पूरी क्षमता के साथ तटीय किनारों को हिट करेगा, तब संभवतः स्थिति कैसी होगी, अब इसका अनुमान लगाने के लिए आप एक बार फिर समुद्र का रुख दिखाते हैं कि लहरें